सीधे कर्नाटक का रुख करेंगे, कुडाची से प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त संबोधित कर रहे हैं। तो बड़ा योगदान दिया है, आज मुझे यहां अनेक वरिष्ठ साथियों की याद आना बहुत स्वाभाविक है। उनके अथक परिश्रम से ही भाजपा आज यहां पहुंची है। आज जब डबल इंजन सरकार है, तब भी अनेक वरिष्ठ साथी दिन रात मैदान में डटे हैं। ऐसे हर साथी को, उनके पुरुषार्थ को, भाजपा के लिए उनके समर्पण को, उनकी तपस्या को आदरपूर्वक नमन करता हूं। साथियों, कर्नाटक में ट्रेडिशन भी है और टेक्नोलॉजी भी है। यहां स्टार्टअप और संस्कृति एक साथ सशक्त होती है। यहां भारत की पुरातन और नूतन पहचान एक साथ समृद्ध होती है। ये डबल इंजन से होने वाले विकास का अद्भुत मॉडल है। भाजपा ने हमेशा जन सेवा को राष्ट्र सेवा माना है, जनता को जनार्दन का रूप माना है। आज जब बेलगावी आया हूं तो आपके बीच इसी भाव के साथ आया हूं। 10 मई को आपको कर्नाटका को देश का नंबर वन राज्य बनाने के लिए वोट करना है। 10 मई को आपको कर्नाटका में डबल इंजन सरकार की वापसी के लिए वोट करना है। और साथियों, मैं कर्नाटका के एक सेवक के रूप में कर्नाटका के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूं। 30 अप्रैल की तारीख में अब कुछ ही घंटे बाकी रह गए हैं। महाविध्वंस की तैयारी इधर भी है और उधर भी है। यूक्रेनी मेगा काउंटर ऑफेंसिव के खतरे को टालने के लिए पुतिन ने नया तरीका निकाला है। यूक्रेन पर हमले इतने धुआंधार हो गए हैं कि जैसे पिछले कई महीनों से नहीं हुए। इस बीच यूक्रेन से दो बिल्कुल अलग अलग तरीके की बातें सामने आई हैं। एक तरफ यूक्रेनी रक्षा मंत्री किसी भी वक्त काउंटर ऑफेंसिव का दम भर रहे हैं, तो वहीं उन्हीं का एक जनरल रूस के खिलाफ जीत का भरोसा खोता हुआ दिख रहा है। और बड़ी खबर से ही शुरुआत करेंगे। बाखमुत में रूसी सेना का बड़ा हमला, यूक्रेनी आर्मी पर ताबड़तोड़ अटैक किया गया है। यूक्रेनी सैनिक के पीछे हटते समय यह हमला हुआ। एकाएक यूक्रेनी जवानों पर अटैक किया गया। और जंग के बीच रूसी प्रधानमंत्री ने बाखमुत का दौरा किया है। बाखमुत के दौरे पर रूसी प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्टिन, पुतिन ने मिखाइल मिशुस्टिन को भेजा बाखमुत। बाखमुत का जल्द होगा पुनर्निर्माण, ये प्रधानमंत्री मिखाइल का कहना है। जंग की वजह से खंडर बन चुका है बाखमुत। और इस बीच आपको बता दें कि यूक्रेन में रूसी सेना का लाइव ऑपरेशन देखने को मिला।
जंगल में पैदल जा रही यूक्रेनी सेना पर हमला हुआ। रूस के एयरबॉर्न डिवीजन का बख्तरबंद गाड़ी में ऑपरेशन, धुआंधार फायरिंग में कई यूक्रेनी सैनिकों की मौत हो गई। एक और बड़ी खबर है, रूस के अंदर यूक्रेन ने फिर अटैक किया है। सेवेस्तोपोल में यूक्रेनी यूएवी से अटैक किया गया। यूक्रेन ने सेवेस्तोपोल में ऑयल डिपो को निशाना बनाया है। यूक्रेनी हमले के बाद ऑयल डिपो में भीषण आग लग गई है। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, सेवेस्तोपोल से यूएवी अटैक है ये, और पूरा इलाका आग में इस वक्त दिख रहा है। धुएं का बड़ा गुबार देखने को मिला। सेवेस्तोपोल में ये बड़ा अटैक हुआ है। बाखमुत के बाद अगली जगह जो है वो सेवेस्तोपोल है, जहां पर लगातार भीषण हमले किए जा रहे हैं, और भीषण हमले की बानगी है कि ऑयल डिपो पर हमला किया गया। और एक और बड़ी खबर है, इस बीच बता दें सेवेस्तोपोल में यूक्रेनी हमले से कई जुड़े फैक्ट्स पे नजर डालेंगे। कैसे टारगेट पे है इस वक्त सेवेस्तोपोल, कुछ बड़ी बातें। सेवेस्तोपोल क्रीमिया का सबसे बड़ा शहर है। सेवेस्तोपोल में रूस का बड़ा सैन्य बेस मौजूद है। यूक्रेन लगातार क्रीमिया की वापसी की बात कर रहा है। और इस बीच बड़ी खबर यह कि कन्विक्टेड हो गए हैं अफजाल अंसारी, दोषी करार दे दिए गए हैं। गैंगस्टर एक्ट के तहत गैंगस्टर केस में दोषी करार दिए गए गाजीपुर के एमपी एमएलए, कोर्ट की तरफ से दोषी करार दिया गया है। थोड़ी देर में सजा का ऐलान होगा। गैंगस्टर एक्ट में बड़ा फैसला कोर्ट का, दोषी करार दिए गए अफजाल अंसारी। गाजीपुर से बीएसपी के सांसद हैं, दोषी करार दिए गए, कन्विक्शन अफजाल अंसारी का, बहुत बड़ी खबर इस वक्त की। इससे पहले मुख्तार अंसारी पर सजा का ऐलान हुआ, 10 साल की सजा और 5 लाख का जुर्माना, लेकिन भाई अफजाल अंसारी को दोषी करार दे दिया है गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, गाजीपुर से बीएसपी के सांसद हैं, लोकसभा सदस्य, सांसदी जा सकती है। अब सजा का ऐलान होगा, तब पता लगेगा कितनी सजा मिली है अफजाल अंसारी को। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा मिली, 5 लाख का जुर्माना इस केस में, गैंगस्टर एक्ट के केस में, और अब थोड़ी देर में सजा का ऐलान होगा। कितनी सजा मिलती है अफजाल अंसारी को ये देखना होगा। लेकिन बड़ी खबर ये कि पहली बार किसी केस में दोषी करार दिए गए अफजाल अंसारी। हम आपको अफजाल अंसारी पर क्या कुछ आरोप है वो भी लगातार बता रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। अब सजा का जो ऐलान होगा वो थोड़ी देर में होगा। कितनी सजा होती है ये अब सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर 2 साल या 2 साल से अधिक सजा होगी तो फिर संसद की सदस्यता खो देंगे अफजाल अंसारी। पंकज झा और ज्यादा जानकारी के साथ, बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी दोषी करार, सबसे बड़ी खबर पंकज, कन्विक्शन हो गया है एमपी एमएलए कोर्ट की तरफ से। जी हाँ निधि, आपकी सबसे बड़ी खबर जो है, जो जानकारी आ रही है यहाँ एमपी एमएलए कोर्ट से, वो ये है कि गाजीपुर से जो बीएसपी के लोकसभा सांसद हैं अफजाल अंसारी, वो गैंगस्टर एक्ट का जो उनके खिलाफ केस चल रहा था उसमें वो दोषी करार दिए दिए गए हैं। यानी कि गैंगस्टर एक्ट उन पर बनता है, जो तमाम सबूत, गवाह और जो चीज़ें थी जो कोर्ट में पेश की गई उसके आधार पर कोर्ट ने ये फैसला लिया है। थोड़ी ही देर में सजा का ऐलान होगा, और सबकी नज़र इस बात को लेकर के है कि क्या 2 साल या उससे अधिक, चूँकि वो दोषी करार दे दिए गए हैं, तो क्या 2 साल या उससे अधिक की सज़ा जो है वो अगर अफजाल को होती है, तो जिस फैसले पर सबकी नज़र है कि उनकी संसद की सदस्यता जा सकती है, वो चुनाव लड़ने के अयोग्य करार दे दिए जाएंगे, और एक तरीके से उनकी सियासत के लिए, उनकी राजनीति के लिए बहुत बड़े खतरे की घंटी बज सकती है। बिल्कुल बड़ी खबर दे रहे हैं, लेकिन मैं पंकज आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि मामला कृष्णानंद राय से जुड़ा हुआ, कृष्णानंद राय समेत 7 लोगों की हत्या हुई थी 2005 में और उसके बाद 2007 में। कुमार कुंदन भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। कुमार, मैं आपके पास आ रही हूँ। इस वक्त सबसे बड़ी खबर ये कि जो 2007 का मामला, जिसमें गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ था अफजाल अंसारी के खिलाफ, अब कोर्ट ने दोषी करार दे दिया है।
सजा का इंतजार है। निश्चित रूप से निधि, 17 गवाहों के बाद, गवाही के बाद जो है इस तरह की नौबत आई है कि सजा का ऐलान हुआ है। एक लंबा इंतजार, 15 साल का इंतजार आज खत्म होता हुआ दिख रहा है। और गाजीपुर के एमपी एमएलए कोर्ट के ठीक सामने में अभी टीवी 9 भारतवर्ष खड़ा है और यहाँ से पल पल की जानकारी आपको दिखा रहा है कि किस तरीके से जैसे ही इस सजा का अभी ऐलान होगा, क्योंकि एक बार वो दोषी करार हो गए हैं तो अब बस सजा का ऐलान होना बाकी है। जैसे ही सजा के ऐलान की खबर आती है उसके बाद की क्या परिस्थिति बनती है, और पुलिस जो है एकदम अलर्ट मोड में आ गई है। अभी थोड़ी देर पहले तक जो है यहाँ पे थोड़ा सा रिलैक्स था, लेकिन अब जो है सब लोगों के आने जाने और तमाम तरह की चीज़ों पर यहाँ पे एक नज़र है। और दूसरी तरफ लोग जो है एक बार फिर से जुट रहे हैं इस बात के इंतज़ार में कि आखिरकार फैसला क्या आता है, क्योंकि इस फैसले का असर यहाँ के राजनीतिक परिस्थिति पर भी पड़ने वाली निधि। निश्चित रूप से अगर सजा 2 साल से ज़्यादा होती है तो उनके सांसद की जो संसद सदस्यता है वो जाएगी, और ऐसी स्थिति में क्या राजनीति परिस्थिति बनेगी यह देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इन सब के बीच लोगों को इंतजार इस बात का कि किस तरीके से यहाँ पे सजा कितनी मिलती है वह देखना दिलचस्प होगा। लेकिन बड़ी खबर यह है कि पहली बार उन्हें सजा का ऐलान किया गया है। अफजाल अंसारी जो है दोषी करार दिए गए हैं, और अभी से थोड़ी देर पहले मुख्तार अंसारी भी दोषी करार दिए गए थे, जिनमें उन्हें 10 साल की सजा और 5 लाख रुपए का जुर्माना भी भरने को कहा गया था। अब यह देखना दिलचस्प है कि इन्हें सजा कितने साल की होती है और कितना जुर्माना भरने दिया जाता है, या फिर सिर्फ सजा ही होती है। तो हमारी नजर इस पे बनी हुई है। बहुत बड़ी बात निकलकर सामने आई है, गाजीपुर के एमपी एमएलए कोर्ट ने दोषी करार दे दिया है, कन्विक्शन दे दिया है अफजाल अंसारी को। मुख्तार अंसारी पहले ही कन्विक्टेड है और 10 साल की सजा सुनाई इस केस में। मैं जल्दी से पंकज झा के पास चलूंगी। पंकज, ये मामला दरअसल गैंगस्टर एक्ट का है, और ये जो रूंगटा अपहरण और हत्याकांड था ये इस मामले में नहीं आता। आरोप क्या क्या लगे अफजाल अंसारी पर? देखिए, जो अब सवेरे अफजाल अंसारी से बात हो रही तो कई चीज़ों का जिक्र किया, और देखिए मुख्तार अंसारी जिसको 10 साल की सज़ा हो गई है इसी गैंगस्टर एक्ट वाले मामले में, लेकिन दोनों के मुकदमों का जो नेचर है वो अलग अलग है। उसमें तो रूंगटा वाला जो अपहरण है वो भी मामला बनता था, लेकिन अफजाल अंसारी में मेनली जो है वो जो 2005 में बीजेपी के विधायक कृष्णानंद राय की हत्या हुई थी उसमें 120B यानी इस हत्या की साजिश रचने के आरोप में गैंगस्टर के एक्ट लगा था। तो अब एक तरीके से चूंकि वो दोषी करार दे दिए गए हैं, इसलिए ये मामला लग रहा है कि कहीं ना कहीं कोर्ट ने इस मामले में सच्चाई पाई। हालांकि कृष्णानंद राय की हत्या के मामले में दिल्ली के एमपी एमएलए कोर्ट ने उन्हें बरी कर रखा है। जी, तो अब अगर इनको सजा का ऐलान होता है अफजाल अंसारी को, पंकज, तो अब ऊपरी अदालत, क्योंकि पहले भी वो कह चुके हैं अफजाल अंसारी मैं ऊपरी अदालत जाऊंगा, लेकिन संसद की सदस्यता पर खतरा है बहुत बड़ा। जी हाँ बिल्कुल, और उन्होंने कहा कि हर हाल में, देखिए इसमें कई सारे अभी लीगल इश्यूज बनते हैं कि उनको सज़ा कितनी होती है। अगर 2 साल की सज़ा होती है तो जमानत मिल जाएगी, शायद जेल ना जाना पड़े। 3 साल उससे अधिक की सज़ा होती है तो क्या उन्हें जमानत मिल पाएगी या अभी तुरंत उन्हें जेल जाना पड़ेगा? संसद की सदस्यता तो 2 साल के मामले में ही हर हाल में चली जाएगी और चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। अभी तो साल भर का समय बचा हुआ है यहाँ पर, 2024 के जो अगले लोकसभा चुनाव होने हैं, तो बाईपोल भी हो सकता है, बाईपोल में क्या होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अफजाल अंसारी को पहली बार किसी मामले में सजा सुनाई गई है, और इसीलिए उनकी राजनीति पर, उनके लंबे राजनीतिक करियर पर एक तरीके से अगर सजा का ऐलान होता है कि कितनी सजा होती है तो फिर मामला उनके लिए बहुत खतरनाक हो। बिल्कुल बड़ी बात कह रहे हैं पंकज। मैं जल्दी से कुमार कुंदन के पास चलूंगी। कुमार कुंदन इस वक्त कोर्ट के बाहर है और काफी हलचल तेज है, कुछ ही देर में सजा का ऐलान होने वाला है। कुमार, वहां से तस्वीरें दिखाइए, कब तक सजा का ऐलान होगा, कितनी देर और? देखिए, जैसे ही पता चला है कि सजा का ऐलान होने वाला है उसके बाद से ही लोगों का जुटना यहाँ पे शुरू हो गया। निधि, मैं तस्वीरों में दिखाऊं कि पुलिस के आला अधिकारियों ने जो है एक तरह से यहाँ पे कैंप करना तो पहले सुबह सुबह से ही था, लेकिन लोगों को डिस्पर्स करना और लोगों को एक जगह से इकट्ठा नहीं होने देना, इस तरह के काम करना पुलिस के आला अधिकारियों ने शुरू कर दिया है। क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि एक बार जब दोषी करार हो गया, और संभव है कि 2 साल के बाद की अगर किसी भी सूरत में उनको सजा दी जाती है तो ऐसी स्थिति में उनकी सदस्यता जाएगी और वो स्थिति राजनीतिक रूप से उसको। और इस बीच आपको बता दें कुमार, एक बड़ी खबर आ रही है, अफजाल अंसारी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। जैसे ही कोर्ट से कन्विक्टेड हुए, कोर्ट से दोषी करार दिए, अब अफजाल अंसारी बीएसपी सांसद को हिरासत में ले लिया है पुलिस ने, जो जानकारी मिल रही है गाजीपुर में। जी कुमार,
देखिए, ये जब आप दोषी करार दिए जाते हैं उसके बाद की जो टेक्निकलिटी है, उन टेक्निकलिटियों के ग्राउंड पे पुलिस ने ऐसा किया। लेकिन अभी सबसे इंटरेस्टिंग ये देखना है कि उन्हें सज़ा कितने सालों की होती है और क्या कोई जुर्माना भी लगाया जाता है, इसके आधार पर तय किया जाएगा बाद बाकी चीज़ें। लेकिन मैं फिर बताऊंगा कि पुलिस का मूवमेंट यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा हो गया है और पूरे इलाके को एक तरीके से सैनिटाइज भी करने का काम किया जा रहा है उन लोगों से जो लोग उनके समर्थक हैं। लेकिन लोग जो हैं बाकायदा धीरे धीरे यहाँ पे आ रहे हैं, जुट रहे हैं। हम कुछ लोगों से बात करने की भी कोशिश करेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है, किस तरीके से जो बता रहे हैं कि अब मुख्तार अफजाल अंसारी भी दोषी पाए जा रहे हैं। हमको कुछ पता नहीं है। अच्छा, अभी आप लोगों को कुछ इसी बाबत आए? इसी बाबत नहीं आए, हम इस बाबत नहीं आए। अच्छा, तो ये देखिए, ये पुलिस के लोग जो है बार-बार लोगों को हटाने। बड़ी बात ये रही कि 2019 में दरअसल इस मामले में, कृष्णानंद राय हत्या मामले में, अदालत ने दिल्ली में बरी कर दिया था दोनों भाइयों को इस मामले में। और उसके बाद क्योंकि गवाह पलट गए थे, गवाह जो थे इसमें मुकर गए थे, और उसके बाद अब ये मामला जब MP MLA कोर्ट पहुंचा, इस मामले में वो दोषी करार दिए गए। जब गैंगस्टर एक्ट का मामला जो 2007 में दर्ज हुआ था अफजाल अंसारी के खिलाफ। निश्चित रूप से गैंगस्टर एक्ट में ये मामला जो है दर्ज किया गया है, और ये जो मामला है ये थोड़ा इतर है, जो कृष्णानंद राय वाले जो मामले है उससे इतर है। सर एक बात बताएं कि आप लोग कुछ बोलना चाहेंगे? आप कुछ ना बोलना चाहिए, हम लोग अब शांत है। हम लोग एक सांसद खो दिया यार, गाजीपुर में एक हम लोग चुनाव हुआ था, वो चुनाव जीते भी थे यहाँ से। अगर उनको 2 साल तक सजा होती तो सांसद ही जाएगी उनकी, और क्या। ठीक कुमार, मैं आपके पास आऊंगी के लिए। जी जी, क्योंकि गाजीपुर से सांसद भी हैं, BSP के सांसद हैं अफजाल अंसारी, और लोगों को यहाँ पर लोग इकट्ठा हो रहे हैं, बस इंतजार कर रहे हैं कि क्या सजा मिलती है अफजाल अंसारी को। पंकज, मैं ये सवाल आपसे भी करूंगी, क्योंकि 2019 कुछ देर पहले आप ही बता रहे थे कि किस तरह से इस मामले में, हत्या के मामले में बरी हुए क्योंकि गवाह मुकर गए। इस केस में कोर्ट ने ये पाया कि सबूत है, इस पूरे मामले पर गवाह है, तभी कन्विक्टेड करार हुए। देखिए, इसमें जो दो तीन चीज़ें मुझे बताई गई हैं उसमें, कि जिस व्यक्ति ने, जिस इंस्पेक्टर ने गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज किया था अफजाल अंसारी पर, उसने जो गवाही दी है और उसने जो जिन लोगों की गवाही करवाई, और फिर जो विवेचक, जो इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर होता है इस गैंगस्टर एक्ट के मामले में, वो एक तरीके से टर्निंग पॉइंट था। क्योंकि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, दिल्ली के MP MLA कोर्ट ने 2019 में इसी BJP विधायक कृष्णानंद राय की हत्या के मामले में दोनों भाइयों को बरी कर दिया था। लेकिन इस मामले में कुछ नई गवाही आ गई, कुछ नए तथ्य पेश किए गए, उसके आधार पर कोर्ट ने अफजाल अंसारी को भी इस मामले में दोषी करार दिया है। तो ये बड़ी बात है, यानी कि कुछ नई फैक्ट्स कोर्ट के सामने आए हैं। और ये किस तरह की कानूनी पेचीदगियों में ये मामला रहा पंकज, ये भी दर्शकों को बताइए कि ये मामला काफ़ी लंबा खिंचा है। 15 साल का इंतज़ार करना पड़ा। जो कृष्णानंद राय की पत्नी है, उन्हें इंसाफ की उम्मीद है। उनका कहना है ये कि अपराधियों को जेल में होना चाहिए, उन्हें बाहर नहीं घूमना चाहिए। उनकी भी बात सामने सुनवाएंगे। एक बड़ी खबर और बता दें, सज़ा का ऐलान थोड़ी देर में होने वाला है। इंतज़ार इसी बात का हो रहा है, अफजाल अंसारी को कितनी सज़ा मिलेगी MP MLA कोर्ट की तरफ से। 2 साल से ज़्यादा सज़ा हुई, 2 साल, और 2 साल से ज़्यादा सज़ा हुई तो संसद पद जाएगा, और नियमों के मुताबिक 2 साल से ज़्यादा सज़ा तो पद चला जाता है, संसद की सदस्यता चली जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा झटका है अफजाल अंसारी, जो कि खुद इस बात के लिए बहुत सुनिश्चित थे कि कोर्ट की तरफ से उन्हें राहत मिलेगी, लेकिन राहत नहीं मिली और उन्हें दोषी करार दिया गया है गैंगस्टर एक्ट के तहत। इस मामले में जो मामला दर्ज हुआ था 2005 में, कृष्णानंद राय की हत्या हुई और BJP विधायक की हत्या हुई थी, और उसके बाद 2007 में गैंगस्टर एक्ट के मामले के तहत अफजाल अंसारी को दोषी करार दिया गया है। जी पंकज, अपनी बात पूरी कीजिए। जी पंकज से संपर्क जानकारी मिल रही है, उसमें जो अफजाल अंसारी है, मैं आपको बता रहा हूं कि अभी जो जानकारी मिल रही है उसमें अफजाल अंसारी को 4 साल की सजा और 1 लाख के जुर्माने की बात कोर्ट के अंदर से निकले, एक वकील ने इस बात की जानकारी दी है। अगर मतलब 4 साल की सज़ा सुनाई गई है तो फिर ये मान कर चलिए कि अफजाल अंसारी की संसद की सदस्यता गई, वो चुनाव लड़ने के योग्य भी नहीं रहेंगे। ये अभी की सबसे बड़ी खबर बताई जा रही है, जो अंदर से, जो कोर्ट के अंदर
बार फैसला सुनाया गया। उस वक्त जो कोर्ट रूम के अंदर वकील थे मौजूद, उन्होंने बताया कि गाजीपुर से बीएसपी के लोकसभा सांसद अफजाल अंसारी को पहले दोषी करार दिया गया गैंगस्टर एक्ट में, फिर 4 साल की सजा सुनाई गई और 1 लाख रुपये का जुर्माना, यानी अफजाल अंसारी की संसद सदस्यता खत्म मानकर चलिए। बहुत बड़ी खबर जानकारी दे रहे हैं पंकज झा, 4 साल की सजा का ऐलान हुआ है अफजाल अंसारी के खिलाफ। 4 साल की सजा अफजाल अंसारी के खिलाफ और 1 लाख का जुर्माना, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। संसद की सदस्यता अब चली जाएगी अफजाल अंसारी की। बीएसपी के सांसद, गाजीपुर से सांसद, दोषी करार दिए गए गैंगस्टर केस में, 4 साल की सजा मिली है और 1 लाख का जुर्माना लगाया गया है। इससे पहले मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा और 5 लाख का जुर्माना लगाया गया। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, कुमार कुंदन के पास जल्दी से चलेंगे। कुमार, 4 साल की सजा संसद की सदस्यता जाएगी? बिल्कुल निश्चित रूप से जाएगी। और मैं एक तस्वीर दिखाना चाहूंगा सामने में, जो है मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि प्रिजनर्स जो वैन है उसको जो है लाया गया है, और वो जो तस्वीर में आपको दिख रही होगी, मैं अपने कैमरा पर्सन विजय को बोलूंगा एक बार जूम करके थोड़ा दिखाएं। प्रिजनर्स वैन जो है वहां पे लगाई गई है और बताया जा रहा है कि जो अफजाल अंसारी है उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और जिस तरीके से सजा का ऐलान हुआ है जिसमें कि 4 साल जेल और 1 लाख रुपये का जुर्माना, ये वो सजा है जिसके तहत उनके संसद की सदस्यता भी जाएगी। तो अब आगे की क्या तकनीकी प्रोसेस होगी उस पर जो है पूरी कहानी निर्भर करती है। लेकिन हाँ, ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि पुलिस ने फिलहाल उनको हिरासत में लिया है और अब जो है आगे की जो है कार्रवाई चल रही है। तो ये बहुत बड़ी खबर है। अभी खास करके गाजीपुर के लिए, अफजाल अंसारी पुलिस ने हिरासत में लिया है, जो अफजाल अंसारी है उसका सांसद चला गया है। ये देखिए, ये पुलिस के आला अधिकारी आगे जा रहे हैं, ये पुलिस के आला अधिकारी अंदर जा रहे हैं। और ये देखिए एक तस्वीर जो दिखा रहे हैं, जो डीएमएसपी सारे के सारे वो जेल के, सॉरी माफी चाहूंगा, जो कोर्ट है। ठीक है, दिनेश शर्मा इस वक्त पूर्व डिप्टी सीएम हमारे साथ जुड़ गए हैं यूपी से। दिनेश जी, बड़ी कार्रवाई हुई है, कोर्ट ने कन्विक्टेड करार दिया अफजाल अंसारी को, 4 साल की सजा सुनाई है। निश्चित रूप में माननीय न्यायालय के द्वारा जिस प्रकार के निर्णय दिए गए हैं अपराध के संदर्भ में, वो उत्तर प्रदेश की जनता नहीं, पूरे भारत के जनता के लिए एक मिसाल बने हैं। साक्षियों का प्रस्तुतीकरण करने में जो सरकार की सराहनीय भूमिका रही है, निश्चित रूप में माननीय न्यायालय को प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर निर्णय लेने में सहायता मिली है। आज उत्तर प्रदेश में जो अपराधी है वो जेल जा रहा है या वो दंडित हो रहा है, लेकिन विडंबना ये है कि समाजवादी पार्टी के मित्र जो जनता दल यू और आरजेडी की सरकार बिहार में है, वहाँ अपराधी जेल से निकल रहा है। ये एक वितर्षणा है कि जो विपक्षी दल हैं वो आज अपराध को संरक्षण देने की जो प्रवृत्ति है, मुझको लगता है कि माननीय न्यायालय के निर्णयों के बाद उनको भी सबक लेना चाहिए और उनको भी इस बात के लिए आगे आना चाहिए कि अपराधी चाहे जितना सशक्त हो लेकिन वो अपराध के आधार पर राजनीति क्षेत्रों का लाभ ना उठाएं। मेरी अपील यही होगी सब विपक्ष से भी कि ये जो मुहिम है योगी जी की उत्तर प्रदेश सरकार की अपराध के उन्मूलन के लिए, उसमें बढ़ के विपक्ष भी सहभागी बने, बजाय वो पीड़ित पक्ष का पक्ष लेने के वो अपराधियों के संरक्षण की बातें करने लगते हैं। इससे एक शून्यता उत्तर प्रदेश में जाहिर होती है विपक्ष के कार्यों की। नहीं, विपक्ष तो आरोप लगाता है कि अपराधियों के मामले में योगी सरकार सिलेक्टिव है, विपक्ष आरोप ये लगाता है। देखिए, विपक्ष के पास आज मुद्दा नहीं रहा है, चूंकि सभी जाति और धर्म के लोग आज दंडित हो रहे हैं। आज राणा के साथ भी कार्रवाई हुई है, तो आज विकास के साथ भी कानपुर में हुई है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राठी रैंक के खिलाफ भी हुआ है। जी जी, दिनेश जी बहुत बहुत धन्यवाद TV9 भारतवर्ष से बातचीत करने के लिए। क्या सिर्फ फैसला बता दीजिए, क्या फैसला? 4 साल का फैसला हुआ है, उनको दो 4 साल का 1 लाख का दंड लगा है बस। अच्छा सर, एक बात बताइए, तकनीकी तौर पे क्या पुलिस उनको गिरफ्तार करेगी? उनके अधिवक्ता आएंगे। तकनीकी तौर पे क्या पुलिस उनको गिरफ्तार करेगी? हम इस पे कुछ कमेंट नहीं करेंगे, वो उनके अधिवक्ता आएंगे, उनसे। तकनीकी तौर पे क्या पुलिस अब उनको गिरफ्तार करेगी? अभी जेल जाएंगे या बाद में? उनके अधिवक्ता जो है लियाकत अली जी और विजय शंकर पांडे जी, वो लोग अपनी अभी कोर्ट में है, सारे तरफ तैयारी कर रहे हैं। कोर्ट ने किन मुद्दों को ध्यान में रख के ये सजा दिया है? अब उनके जितने फाइल लंबी थी बातें वो पहले से बहस में हो चुकी है, उसके आगे के बाद। बिल्कुल कुमार, आप वकीलों से बात कर रहे थे, लेकिन अब ये जो जमानत की प्रक्रिया है वो आगे बढ़ेगी। जी जी, अब जो बेल लेने की प्रक्रिया है वो आगे बढ़ेगी, क्योंकि पहले ही हिरासत में ले लिया गया है।
देखिए, जैसा कि वकील लोग बता रहे थे कि उनके वकील जो लियाकत हैं वो इस पूरे प्रक्रिया पर नज़र बनाए हुए हैं और बाकायदा उसके लिए वो काम कर रहे हैं, लेकिन अब क्या वो पूरा प्रक्रिया है, किस तरह से वो आगे बढ़ रहे हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन अभी जो पहली जानकारी और जो वकील लोग निकल के आमने सामने आ रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि उन्हें 4 साल की सज़ा हुई है और 1,00,000 रुपये का जुर्माना दिया गया है। अब इस परिस्थितियों में क्या क्या उनके पास टेक्निकल ऑप्शन बचते हैं, क्या क्या ऐसे विकल्प हैं जिसको वो अवेल कर सकते हैं, यह जो है देखना दिलचस्प होगा। और इन्हीं विकल्पों पे उनके वकील जो लियाकत हैं वो जो है काम कर रहे हैं। लेकिन मैं इन सब के बीच जो प्रशासनिक अमला है वो उसने जिस तरीके से तैयारी की है वो भी एक तस्वीर आपको दिखाना चाहूँगा कि पूरा का पूरा जो पुलिसिया सिस्टम है वो यहाँ पे एक तरीके से खड़ा है और कोशिश ये की जा रही है कि किसी भी तरीके से जो पूरा का जो अभी फैसला आया है उस फैसले के बाद की बदली हुई परिस्थितियों में कोई किसी भी तरीके की अप्रिय घटना ना हो, कोई लोगों में जो है जिस तरीके से कई सारे लोग जो है यहाँ पे प्रोटेस्ट भी कर रहे थे, कई लोग फैसले का विरोध भी कर रहे थे, वो ऐसा कुछ ना हो, ये एक देखने वाली बात है। माहौल खराब ना हो इसीलिए बहुत जरूरी है, वो सबसे जरूरी है, क्योंकि बिल्कुल मैं लोगों के बीच आपको ले जाना चाहूंगा, वो लोग हैं जो काफी समय से सुबह से इंतजार कर रहे थे फैसले का, उनसे जानने की कोशिश करते हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। एक बात बताएं, जो फैसला आया है उसको किस तरीके से देखा? हमको मालूम ही नहीं कोई फैसला। 4 साल की सजा दी गई है और 1,00,000 रुपये का जुर्माना अफजल अंसारी पे, अभी हम नहीं बता पाएंगे, हम तो अभी आ रहे हैं यहाँ पे। आप लोग किस तरीके से देखते हैं जो फैसला आया? हम लोग को कुछ मालूम नहीं है। अच्छा, वेट कर रहे हैं जी। आप लोग कुछ बताना चाहेंगे जो फैसला आया है उस पे? ठीक, मैं कुंदन आऊंगी आपके पास। कोर्ट का फैसला जो आया है उस साक्ष्य के आधार पर ही आया होगा, तो अदालत के फैसले पर कोई टिप्पणी तो है नहीं। जी माफ कीजिएगा, तो रोक रही हूँ कुंदन, मैं आऊंगी आपके पास। पंकज झा भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। पंकज, अब लगातार ऑप्शन पर विचार होगा, क्योंकि देखिए पहले अतीक के खिलाफ भी जब कन्विक्शन सामने आया था तो उस वक्त भी ऑप्शन पर ध्यान दिया जा रहा था कि कानूनी ऑप्शन क्या है। अब अफजल अंसारी भी कानूनी ऑप्शन की तरफ आगे बढ़ेंगे। साफ नहीं आ रही है निधि, दोबारा सवाल दोहरा पाएंगी? बहुत कटकट कर आवाज आ रही थी। जी जी, मेरा सवाल ये है कि अब कानूनी जो ऑप्शंस हैं उस पर विचार किया जाएगा अफजल अंसार वकीलों की तरफ से? अरे आए नहीं अभी। जी हाँ, जो मुझे जानकारी मिली है कि भी थोड़ी देर पहले जो डीएम है आरेखा अखौरी और ओमवीर सिंह जो एसपी है वहाँ कोर्ट रूम के पास पहुँचे हैं, जहाँ हिरासत में लिया गया है अभी अफजल अंसारी को। और देखिए, जो आम तौर पे होता रहा उसके हिसाब से देखें, इससे पहले जो मामले थे जिसमें आज़म खान या उनके बेटे अब्दुल्ला आज़म, जिन दोनों को भी सज़ा सुनाई गई, उनकी भी सदस्यता गई है, उस मामले में देखें तो 4 साल की जो सज़ा मिली अफजल अंसारी को, तो एक जमानत लेने का उनके पास हक है, अधिकार है। लेकिन आज शनिवार है, क्या जमानत के लिए वो अर्जी उनकी आगे जा पाएगी नहीं जा पाएगी, ये उनके वकील तय कर रहे होंगे। इस बीच में जो सरकार के एक जिम्मेदार आईपीएस अधिकारी हैं उनसे बातचीत हुई थी, उन्होंने कहा कि हम उनको, चूँकि गिरफ्तार अफजल जो है उसको सज़ा हो गई है 4 साल की, हम गिरफ्तार कर उन्हें गाजीपुर जेल ले जाएंगे, तो फिर बाद में बाकी विकल्पों पर विचार किया जाएगा। तो अभी कोई फैसला हुआ नहीं है, इसीलिए कुछ कह पाना अभी मुश्किल होगा। इंतज़ार करिए, उनके वकील भी कानूनी राय मशवरा ले रहे हैं और साथ ही सरकार के जिम्मेदार अफसर भी नज़र बनाए हुए हैं। कुमार कुंदन, ओवर टू यू। अब आप ऑप्शन क्या है, विकल्प क्या है? बिल्कुल, मैं अब लोगों से बात करना चाहूँगा कि अब उनके पास क्या विकल्प बच रहा है। उनके पास विकल्प जो है जमानत का बच रहा है, वो अपना अप्लाई करेंगे हाई कोर्ट में। अच्छा, और ये जमानत के लिए जो लियाकत जो उनके वकील है वो तैयारी कर रहे हैं? हाँ, तैयारी कर रहे हैं और उन्होंने कागज मांगा है। अच्छा, अभी नकल नहीं मिल पाई है। अच्छा अच्छा, कुछ देर बाद निकल जाएगी नकल। आप लोग उन्हीं के साथ जुड़े हुए हैं, आप लोगों को जो तकनीकी जानकारी मिली है उसके हिसाब से क्या है पूरा? यहाँ तकनीकी जानकारी यही मिली है कि वो लोग अप्लाई किए हैं, वो जो फैसला सुनाने के बाद उन्होंने उनके वकील ने जो है डिमांड किया है नकल कॉपी के लिए। हाँ। अभी उपलब्ध नहीं हो मिली हुई है, उपलब्ध हो जाएगी तो उनको दे दी जाएगी। तो क्या मतलब जमानत के लिए भी अर्जी लगाई जाएगी? यहाँ लगेगी नहीं तो हाईकोर्ट में? यानी सीधे हाईकोर्ट जाएंगे, हाईकोर्ट में ही अप्लाई करेंगे। और अगर आज नहीं हुआ तो जेल जाएंगे? आज नहीं हो पाएगा, सोमवार को। तो क्या अब इनकी गिरफ्तारी होगी ऐसे में? हाँ, पुलिस कस्टडी में रहेंगे। अच्छा, ये पुलिस कस्टडी में ले लिया? हाँ जी हाँ, पुलिस कस्टडी फैसला कराने के बाद तो पुलिस कस्टडी ले लिए गए हैं। अच्छा, अभी तो एक बड़ी खबर निधि मैं आपको बता रहा हूँ, जो इनके जानकारी मिल रही है कि उनको पुलिस कस्टडी में ले लिया गया है और फिलहाल तो उनको फिर क्या अभी आज जेल भेजा जाएगा यहाँ पे? अब जो प्रशासन व्यवस्था करे वैसे वो पुलिस कस्टडी में है, फैसले के समय वो पुलिस कस्टडी में रहे हैं। अच्छा। इस समय पुलिस कस्टडी में है और आप लोग जो है तकनीकी जो है पक्ष है उसके हिसाब से अब फैसले की मतलब नकल मांगे कॉपी की? हाँ, कॉपी नकल मांगे हैं, अप्लाई किए हैं। देखिए कब तक कॉपी उपलब्ध प्रशासन लग रहा है कि आज मिल जाएगा या वक्त लगेगा? संभव तो आज मिल जाना चाहिए। लेट लतीफ जो लोड किए हैं कॉपी जो है वो हाईकोर्ट के लिए,
और जब लोड होने के बाद कंप्यूटर से आएगी तो कॉपी इनको निकल जाएगी। अच्छा, मतलब कंप्यूटर से प्रिंट आउट बता रहे हैं, जैसा लोग बता रहे हैं। हाँ, तो आज मिल जाएगी, तो क्या आज ही आप लोग हाई कोर्ट में अपील करेंगे या सोमवार को जाएंगे? सोमवार को जाएंगे। हाँ, आज तैयारी, कल तैयारी शुरू हो जाएगी। अच्छा, तैयारी शुरू हो जाएगी, लेकिन सोमवार तक तो हाई कोर्ट में निश्चित निश्चित तब तक ये पुलिस कस्टडी में रहेंगे। अच्छा, तो आपको क्या लग रहा है कि अगर हाई कोर्ट से स्टे हो जाएगा पूरे मामले में तो ये बच सकते हैं? हाँ, बच सकते हैं, बच सकते हैं। अगर तुरंत स्टे हो गया तो बच सकते हैं। ठीक है, अगर बड़ी बात ये नहीं हुआ है। तो बड़ी बात यह है कि अब दो दिन पुलिस कस्टडी में रहेंगे, जैसा कि बताया जा रहा है उनके समर्थकों की तरफ से, अफजाल अंसारी के समर्थकों की तरफ से बताया जा रहा है कि पुलिस कस्टडी में है, कोर्ट में मौजूद थे। पंकज, 115 पेजेस का ये फैसला जो कि बताया गया, और कोर्ट में मौजूद थे अफजाल अंसारी, और उसके बाद सामने सुना है सजा का ऐलान जो हुआ है। जी हाँ, बिल्कुल। और एक बड़ी बात है कि 4 साल की सजा हुई अफजाल अंसारी, बीएसपी के जो सांसद हैं, और पहली बार उसे सजा हुई है। और 4 साल की सजा में जो सबसे बड़ा खामियाजा नुकसान अफजाल अंसारी के लिए है, वो उनका पॉलिटिकल करियर है। वो पॉलिटिकल करियर जिसमें वो कई बार विधायक रहे, अभी गाजीपुर से सांसद भी हैं, और उनकी संसद सदस्यता जा रही है। अब सबसे बड़ी बात ये है कि लीगल उनके पास हेल्प क्या है। देखिए, उनकी संसद सदस्यता तो गई, इसके बाद वो चुनाव लड़ने के योग्य अयोग्य करार दे दिए गए हैं, तो बाईपोल होगा। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो लीगल हेल्प की बात है, जिसमें ऊपरी अदालत में इस फैसले के खिलाफ जाने का विकल्प है, इसके अलावा जो विकल्प है जी, वो पंकज माफ कीजिए, मैं आऊंगी आपके पास दोबारा आऊंगी। और यूपी के पूर्व पुलिस अधिकारी ब्रिजलाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और राज्यसभा सांसद भी हैं। ब्रिजलाल जी, बड़ा फैसला कोर्ट ने सुनाया, एमपी एमएलए कोर्ट, संसद की सदस्यता तो जाएगी लेकिन फिलहाल पुलिस कस्टडी में ले लिया गया है, 4 साल की सजा और कन्विक्शन। मैं अदालत के दिए गए सजा का स्वागत करता हूं। एक पूर्व पुलिस अधिकारी के नाते ये कह सकता हूं कि मुख्तार अंसारी गैंग का जो असल मास्टरमाइंड रहे, वो अफजाल अंसारी रहे। 85 में कम्युनिस्ट पार्टी से विधायक बने और उसके बाद मुख्तार अंसारी ने झुंडई की, मर्डर किए, तांडो मचाया, वो सब का श्रेय, सबका प्रश्रय अफजाल अंसारी करते थे। और आज इनकी भी सदस्यता चली गई है, मुख्तार की जा चुकी है। मुख्तार का बेटा जो करता था हिसाब लिया जाएगा, वो जेल में है, इनकी बहू जेल में है, उनको भी सजा मिलना तय है। तो ये जो राजनीतिक पार्टियां इनको मान्यवर का सुरक्षा कवच दे रहे थे, वो कवच उखाड़ कर फेंक दिया गया है। और इसका बहुत बड़ा संदेश वो जाएगा और सभी माफियाओं को जी, पॉलिटिकल पार्टीज को भी। और मैं कहता हूँ कि पॉलिटिकल पार्टी जो पालती रही, जो बिल्कुल ब्रिजलाल जी, आप तो देश के सबसे बड़े सूबे के पुलिस अधिकारी रहे, उस वक्त भी ये जो राजनीतिक रसूख और धौंस दिखाई जाती थी उसके बल पर काम कराया जाता था, उसके बारे में जरूर बताइए। ऐसा है कि राजनीतिक रसूख का यह हालत था कि मुख्तार अंसारी जेल में बैठे बैठे ही कृष्णानंद राय का मर्डर करा दिया, उसके पहले नंद किशोर रुंगटा जी का अपहरण करके हत्या की गई, और वहां रास्ते ये पार्टियां जो रही। मैं इस वक्त तस्वीरें आ चुकी हैं और पुलिस कस्टडी में इस वक्त मौजूद है, पंकज के पास चलते हैं। पंकज, ओवर टू यू, पुलिस ले जा रही है। जी हमारे, देखिए ये जो प्रिजन वैन है, इसी प्रिजन वैन में अफजाल अंसारी को गिरफ्तार करके और यहाँ से गाजीपुर जेल ले जाया जा रहा है। अब से थोड़ी देर पहले जो एमपीएमएलए कोर्ट ने फैसला सुनाया जिसमें 4 साल की सजा और 1 लाख के जुर्माना है, उसके बाद से इस भारी सुरक्षा बंदोबस्त के बीच में जो बीएसपी के सांसद रहे, जिनको सजा सुनाई गई अफजाल अंसारी, उनको इसी प्रिजन वैन में अभी अफजाल को यहाँ से गाजीपुर जेल ले जाया जा रहा है। अभी मैंने आपको जैसे बताया कि थोड़ी देर पहले डीएमआरए का अखौरी और एसपी ओमवीर सिंह आए थे, लखनऊ में बात हुई, लखनऊ से निर्देश मिला, उसके बाद चूंकि अब सजा हो चुकी है अफजाल को, वो सजा याफ्ता है, उसे गाजीपुर जेल ले जाया जा रहा है। आगे की कानूनी विकल्प और जो उनके पास क्या उपाय बनते हैं ये उनके वकील तय करेंगे, लेकिन अभी की जानकारी यही है कि उसे गाजीपुर ले बड़ी खबर दे रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं पंकज, गाजीपुर जेल ले जाया जा रहा है। कुंदन फॉलो कर रहे हैं, पीछे ही है गाड़ी के। जी कुंदन, ओवर टू यू, बोलिए बोलिए। लाइव फ्रेम देखिए।
टीवी में ये सामने में जो काफिला जा रहा है, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको नजर आ रही होगी टीवी 9 भारतवर्ष पे। इस वक्त अफजाल अंसारी जो कि यहां का सांसद है गाजीपुर से, उसको फिलहाल पुलिस जो है प्रिजन वैन में बिठा के जेल की तरफ ले जा रही है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको टीवी 9 भारतवर्ष दिखा रहा है। अफजाल अंसारी का काफिला धीरे धीरे निकलते हुए और पुलिस गाड़ियां जो है, प्रिजन वैन जो है उसमें उसको बिठाया गया है और बिठा के आगे जो है ले जाया जा रहा है। ये यहाँ पे जिला कारागार है और कारागार के पास जो है ये यहाँ पर रुके हुए हैं। ये देखिए, ये जो अफजाल अंसारी है उनके काफिले को ले जा रहे हैं और कारागार के पास जो है वहाँ पे ये है, उनको बकायदा धीरे धीरे आगे की ओर ले जा रहे हैं और ये काफिला जो है वो निकल रहे हैं। अफजाल इसी में है और यहाँ पे जो है, अफजाल कुछ बोलना चाहेंगे आप? अफजाल आप बोलना चाहेंगे कुछ? अफजाल कुछ बोलना चाहेंगे आप? आपको दोषी करार दिया गया है गैंगस्टर एक्ट में, कुछ बोलना चाहेंगे? ये इसमें, इस पूरे जो वाहन है, इस वाहन में जो है अफजाल अंसारी हैं और यहाँ से जो है कारागार है, उस कारागार में उनको ले जाया जा रहा है। ये देखिए, यहाँ से जो रास्ता जा रहा है, इसी रास्ते में अफजाल अंसारी को ले जाया जा रहा है। और मैं बताना चाहूँगा, ये सबसे बड़ी बात ये है कि अब उनकी सांसद जो है वो यहाँ से जा रही है, क्योंकि चार साल से ज़्यादा, दो साल से ज़्यादा की सज़ा हो गई है और इस सज़ा के तहत जो अब उनको अपने सांसद से छोड़ना पड़ेगा और वहाँ से अब ये धीरे, ये काफिला जो है जेल की तरफ जा रहा है। मैं एक बार फिर तस्वीरों में दिखाना चाहूँगा किस तरीके से धीरे धीरे जो है ये जिला कारागार की ओर जो है ये काफिला जा रहा है और जिला कारागार यहीं पे गाजीपुर में है। जो तस्वीर है निधि, ये तस्वीर बता रही है कि अफजाल अंसारी जी, अफजाल अंसारी को यहाँ से निकाला जा रहा है और अब ये वो जेल है जिस जेल में मुख्तार अंसारी किसी ज़माने में हुआ करते थे। पहली बार अफजाल अंसारी दोषी करार हुए हैं और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो गाजीपुर जेल है, उस जेल में मुख्तार अंसारी एक ज़माने में होते थे, कहते थे कि उनकी तूती चलती थी। अब उसी जेल में उसके भाई अफजाल अंसारी को बहुत बड़ी बात, बहुत बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं कुमार। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब गैंगस्टर में किसी को सजा हो जाती है, वो कोई बहुत बहुत पलटी रहती है, तो क्या उसको ऊपर की अदालत में यानी कि हाई कोर्ट में उसको राहत मिल जाती है? ऐसा है कि कोई भी फैसला यदि लोअर कोर्ट, मतलब ये जो फैसला हुआ इसके बाद लॉ एंड ऑर्डर ना बिगड़े, इसके लिए क्या तैयारी की आपने? सुरक्षा के सारे इंतजाम है, पुलिस फोर्स डिप्लॉयमेंट है और हाँ, पर्याप्त सुरक्षा के प्रबंध सारी जेलों में है, यहाँ पे भी पर्याप्त सुरक्षा के प्रबंध है। तो चूंकि सांसद रहे हैं तो क्या अलग से कोई जेल में, अलग से आइसोलेशन में रखा जाएगा, जेल के अंदर कुछ ऐसा इंतजाम किया गया है? ये जेल सुपरिंटेंडेंट ने अपनी व्यवस्था की होगी, ये उनका विषय है, लेकिन सुरक्षा पूरी, उन्होंने कहा है कि पूर्ण रूप से सुरक्षित और पूरी सुरक्षा प्रदान की जाएगी जेल में।